इस कहानी में पॉर्न स्टार बनने के लिए एक लड़की को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसे कैमरे के सामने कपड़े उतारने के अलावा और भी ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जो कि हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं। दो लड़कियाँ उस लड़के का पीछा कर रही होती हैं। कुछ देर बाद पीछा करने के बाद वो दोनों लड़कियाँ इस लड़के को पकड़ लेती हैं। वो लोग उस लड़के को आँख बंद करके किस करने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो लड़का जैसे ही अपनी आँखें बंद करता है, वो दोनों लड़कियाँ उसकी पैंट को खोल कर उस पर हंसने लगती हैं। इस हरकत की वजह से वो लड़का शर्माकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये लड़कियाँ उसका नाम लवर बॉय रख देती हैं। इन दोनों में से एक लड़की जब साइकिल लेकर कहीं जा रही होती है, तभी अचानक ब्रिज के पास लवर बॉय आ जाता है और वो उस लड़की को साइकिल से गिरा देता है। फिर वो उसकी साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो उस लड़की को भी उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे उस लड़की की मौत यहीं पर हो जाती है। लवर बॉय की इस हरकत को देखकर हम लोग को ये समझ जाते हैं कि वो एक साइको है। इसके बाद हम लोग कई साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम लोग काइली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो लैपटॉप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। काइली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गर्ल्स हाउस नाम की एक वेबसाइट से ऑफर मिला था। काइली के डैड महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इसलिए काइली इस वेबसाइट में काम करना चाहती है। जब वो उस वेबसाइट को अच्छी तरह चेक करती है, तब उसे ये पता चलता है उसे एक बड़े से घर में कई लड़कियों के साथ रखा जाएगा और ये घर एक सीक्रेट लोकेशन में होता है। इस घर के सभी कमरों में कैमरे लगे होते हैं। इसका मतलब ये था इस घर में होने वाली सभी चीज़ों को लाइव दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी काइली इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। हम लोग ये देखते हैं गर्ल्स हाउस का चेयरमैन खुद काइली को लेने के लिए यहाँ आया है। वो काइली को बताता है लड़कियाँ वहाँ कैसे रहती हैं और उसे वहाँ पर क्या क्या करना होगा। साथ ही वो बताता है ये घर एक सीक्रेट लोकेशन में है जिसकी वजह से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और अगर कोई गलती से वहाँ तक पहुँच जाता है तब वो वहाँ अंदर एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ हर दरवाजे पर सिक्योरिटी लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो काइली को सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलाता है। इसके बाद वो काइली को लेकर अंदर पहुँच जाता है। यहाँ काइली की मुलाकात कैट नाम की एक लड़की से होती है। इसके बाद वो दोनों उसे लेकर काइली के कमरे तक जाते हैं। इस दौरान वो उसे बताते हैं ये वेबसाइट सिर्फ एक अडल्ट वेबसाइट नहीं है बल्कि यहाँ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई सारे लोग सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ आते हैं कि ये सारी लड़कियाँ एक साथ कैसे रहती हैं। चेयरमैन काइली को ये बात बताता है हम सभी लड़कियों की पहचान को सीक्रेट रखते हैं और इसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। रात में ये सारे लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद वेबसाइट का टाइम शुरू होता है। यहाँ काइली पहली बार कैमरे के सामने लाइव आती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है लेकिन कुछ समय के बाद वेबसाइट के सारे लोग सिर्फ काइली को ही देख रहे थे जिसकी वजह से काइली पहले दिन में ही बहुत फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक मोटे आदमी को देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लवर बॉय था। लवर बॉय अब काफी बड़ा हो चुका था, साथ ही वो एक हैकर भी था। इसके बाद वो काइली को मैसेज करता है। काइली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका था। इसके बाद हम लोग दो लड़कों को देखते हैं। ये लोग काइली को पहचान लेते हैं क्योंकि इनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन होता है वो काइली के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता। बेन बचपन से ही काइली को पसंद करता था। वो उस वेबसाइट में काइली को देखकर बहुत शौक हो जाता है। इसके बाद बेन का दोस्त उससे ये कहता है तुम्हें काइली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। नेक्स्ट डे जब काइली अपने कॉलेज में आती है तब सभी लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने काइली को पहचान लिया था। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद बेन काइली के पास आता है और वो उसे कॉफी के लिए पूछता है। काइली बेन के ऑफर को मान जाती है और वो बेन के साथ अपना नंबर भी शेयर करती है। इसके बाद काइली घर आ जाती है। घर आने के बाद वो लवर बॉय से बातें करती है। लवर बॉय काइली के प्यार में पागल हो चुका था और उसने अपने घर में काइली के साथ कई फोटो लगा रखी थी। इसके बाद वो काइली को अपनी एक फोटो भेजता है। ना चाहते हुए भी काइली उसकी फोटो की तारीफ करती है। उसी रात को काइली और बेन डेट पर जाते हैं और इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ बातें करते हुए बेन काइली से ये कहता है मैं जानता हूँ तुम गर्ल्स हाउस में काम करती हो। ये सुनकर काइली को थोड़ा अजीब लगता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है लेकिन तुरंत ही ये दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लवर बॉय को देखते हैं। वो अपना काम कर रहा होता है। काम करते हुए वो एक लेडी को घूरने लगता है और इस वजह से वो लेडी लवर बॉय को काफी सुनाती है। उसकी बातों को सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है वो उस लेडी को जान से मार दे लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर हम लोग काइली और बेन को देखते हैं। बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से काइली अब गर्ल्स हाउस में टाइम नहीं दे पा रही थी और इसकी वजह से लवर बॉय बाकी लड़कियों से काइली के बारे में पूछता है। लवर बॉय हमेशा काइली के बारे में ही पूछता रहता है जिसकी वजह से बाकी लड़कियां उससे अच्छे से बात नहीं करती हैं। लड़कियों के इस बिहेवियर से लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे
में रखे हुए एक पुतले को चाकू मारकर उस पर अपना गुस्सा उतारता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है वो गर्ल्स हाउस जाएगा, लेकिन गर्ल्स हाउस की लोकेशन सीक्रेट होती है। लेकिन जैसा कि हमने मूवी के पहले ही ये जाना था कि लवर बॉय एक हैकर होता है, इसलिए वो इस वेबसाइट को हैक करके वहाँ का लोकेशन पता कर लेता है। इसके बाद वो उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करता है, उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब उस आदमी को ऐसा लगता है जैसा कोई उसका पीछा कर रहा है, वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी लवर बॉय उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो एक एक करके घर के सभी गार्ड्स को मार देता है और वो गर्ल्स हाउस के चेयरमैन को बंदी बना लेता है। इसके बाद वो चेयरमैन से सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में मालूम कर लेता है और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद लवर बॉय गर्ल्स हाउस के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर अभी किसी भी लड़की को ये मालूम नहीं है कि लवर बॉय गर्ल्स हाउस के अंदर आ चुका है। इधर सभी लड़कियां वेबसाइट में अपने अपने काम में बिजी होती हैं। लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो कि ड्रग्स ले रही होती है। वो एक रस्सी की मदद से उस लड़की को मार देता है। इधर हम लोग डेवॉन को देखते हैं। वो वेबसाइट में ऑनलाइन आकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती है। बेन का दोस्त डेवॉन को लाइव देख रहा होता है, तभी वो डेवॉन के पीछे कुछ नोटिस करता है। वो डेवॉन को उसके बारे में लिखकर बताता है, लेकिन डेवॉन उसके बारे में ध्यान नहीं देती। तभी अचानक वहाँ लवर बॉय आ जाता है और वो डेवॉन को मारने लग। इधर बेन अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाता है और वो भी ये सब होते हुए देखता है। ये लोग पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद बेन खुद से कायली को देखने के लिए जाता है। इधर हम लोग कायली को देखते हैं। कायली गर्ल्स हाउस में इंटर कर रही होती है। इधर बेन का दोस्त इन सब के बारे में पुलिस को कॉल करके बताता है, लेकिन पुलिस उस जगह के बारे में मालूम नहीं कर। वहीं दूसरी तरफ लवर बॉय डेवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है और फिर उसकी सभी उंगलियों को काट देता है, क्योंकि बेन का दोस्त डेवॉन से प्राइवेट में बातें कर रहा था, इसलिए ये सारी चीजें उनके अलावा कोई नहीं देख पाता। इसके बाद लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है, जिसके बाद सारे ऑडियंस लवर बॉय को देख लेते हैं, लेकिन लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही एक एक करके लवर बॉय सारी लड़कियों को मार देता है और फिर कायली को ढूंढने लगता है, लेकिन कायली उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन कायली लवर बॉय को देख लेती है और वो जान जाती है कि ये किलर सभी लड़कियों को मार रहा है। इसके बाद वो रूम में लगे हुए कमरे को तोड़ देती है और दूसरी ओर बेन कायली के फ्रेंड से मिलता है और वो उससे गर्ल्स हाउस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी गर्ल्स हाउस का एड्रेस नहीं पता होता। इधर गर्ल्स हाउस में कायली और कैट एक रूम में जाकर छुप जाती हैं। तभी लवर बॉय वहां पहुंच जाता है और वो कायली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी केट एक रॉड से लवर बॉय पर हमला करती है। इस हमले की वजह से लवर बॉय वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल करते हैं। इसी बीच गर्ल्स हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाता है। कायली उसे सारी बातें बताती है, लेकिन तभी लवर बॉय यहां पहुंच जाता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है। इसके बाद वो कैट का पीछा करता है और फिर कैट को भी मार देता है। अब पूरे गर्ल्स हाउस में सिर्फ दो ही लड़कियां जिंदा बची होती है, उनमें से एक कायली थी और दूसरी डेवॉन थी। दूसरी तरफ बेन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस बेन से कहती है उन्हें लोकेशन के बारे में मालूम चल गया है और हम लोग अपनी टीम को लेकर उसी जगह पहुंच रहे हैं। ये जानने के बाद बेन भी उस जगह के लिए निकल जाता है। इधर डेवॉन काफी जख्मी हो चुकी थी और उसे काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो एक पॉलीथीन को मुंह पर लपेटकर अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ कायली एक जगह छुप जाती है। फिर कायली एक पेपर पर मैसेज लिखकर लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है और वहां की लाइट ऑफ कर देती है। जब लवर बॉय पहुंचता है तब वो कायली को नहीं देख पाता। इस मौके का फायदा उठाकर कायली उसके सीने में एक चाकू से वार करती है, लेकिन उस पर हमला करने के बाद भी लवर बॉय उसे पकड़ लेता है और वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी कायली का हाथ एक भारी सामान तक पहुंच जाता है। वो उसी सामान से लवर बॉय पर वार करती है। जब लवर बॉय नीचे गिरता है तब कायली उसी हथियार से बहुत सारे हमले करके लवर बॉय को जान से मार देती है। इसके बाद कायली गर्ल्स हाउस से बाहर निकलती है, तभी बेन और पुलिस भी यहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद बेन कायली के पास जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।